बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर आ रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे कि हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं टॉपिक वन पर, जो है दी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ दैट डिस्प्लेस द डेटा बाई यूजिंग कॉन्टिग्यूअस वर्टिकल बार्स ऑफ वेरियस हाइट्स टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस। बेसिकली हिस्टोग्राम में होता क्या है, हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी मालूम होती है। उस डायग्राम से पता चलता है या उस ग्राफ से पता चलता है कि किसी डेटा की किसी क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी कैसे हमें मिलती है, वो वर्टिकल बार्स होते हैं जिनसे हम अंदाजा लगाते हैं कि पर्टिकुलर क्लास की कितनी फ्रीक्वेंसी है। अब इसको ड्रॉ करने के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। अब उन स्टेप्स को वन बाय वन हम देखेंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम पर आएंगे। सबसे पहले स्टेप वन। स्टेप वन में हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बनानी है, ओके। और उसमें जो एक्स एक्सिस है वो हॉरिजेंटल एक्सिस होता है और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस होता है, ओके। उसके बाद स्टेप टू में रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं, और जो x एक्सिस होता है एंड द क्लास बाउंड्रीज ऑन द x एक्सिस, इसमें क्या लिखता है, हम क्लास बाउंड्रीज हम ड्रॉ करते हैं, ओके। उसके बाद क्या होगा, यूजिंग द फ्रीक्वेंसी एज द हाइट्स ड्रॉ वर्टिकल बार्स। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि हम हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको हम हाइट के तौर पर यूज करते हैं और उनको एज अ वर्टिकल बार कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। अब हम आ रहे हैं प्रॉब्लम पर। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, क्या हमने वही प्रॉब्लम लिया है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया था। ये हमारे पास डेटा थी और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था, ओके। अब इसमें क्या है, ड्रॉ दी हिस्टोग्राम फॉर दी डेटा गिवन ब्लो। अब हमारे पास ये डेटा थी, इस डेटा का हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाया था या टेबल बनाई थी प्रीवियस लेक्चर में, उसमें ये दो चीजें भी हमने फाइंड की थी। अब इस डेटा में 100 से लेकर 134 तक डेटा थी। अब क्लास बाउंड्रीज होती हैं, क्लास बाउंड्रीज भी हमने फाइंड की थी, क्लास बाउंड्री भी हमने सीखी थी कि क्लास बाउंड्री कैसे, अगर आपको सीखना है तो प्रीवियस लेक्चर, उसकी हम लिंक भी देंगे इस लेक्चर में, ओके, वो आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीजें इसमें कंसिडर करनी पड़ती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना पड़ता है कि हमारे पास जो क्लास बाउंड्री है उसको हमने एक्स एक्सिस पे रखना है और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे रखना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे, अब टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी थी, 18 थी, 1 से लेकर 18 थी, तो हमने 0 से स्टार्ट करते हैं, जैसे वर्टिकल एक्सिस जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, ओके। अब यहाँ पे 0 से लेकर 18 तक हमने ग्राफ बना दिया। फॉर एग्जाम्पल एक हम क्लास बाउंड्री ले रहे 114.5 to 119.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13 है। अब यहाँ पे ये 13 है, ओके। अगर आप जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, 13 मिल रही है। किसकी, इस इंटरवल में आपको कितनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, 13 मिल रही है। तो आपने इस इंटरवल की या इस क्लास बाउंड्री की आपने फ्रीक्वेंसी देख ली गई, एग्जैक्टली आपको क्या मिल रही है, 13 मिल रही है। तो इसी तरीके से आप और भी क्लास बाउंड्रीज की फ्रीक्वेंसी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को क्या कहते हैं, हम हिस्टोग्राम कहते हैं, क्लियर। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 2, दी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बेसिकली होता क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी इसी तरीके से किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ होता है। इस ग्राफ में बेसिकली होता क्या है, तीन तरह की चीजें रिक्वायर्ड होती है। एक तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज हो, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने देखा। उसके बाद जो इसमें मेन चीज होती है, उस क्लासेस की मिड पॉइंट्स रिक्वायर्ड होती है। क्या रिक्वायर्ड होती है, मिड पॉइंट्स भी रिक्वायर्ड होती हैं, और जो उनकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, अब उनकी उन पॉइंट्स की हाइट्स रिप्रेजेंट करती हैं कि इस क्लास पे, पर्टिकुलर क्लास पे क्या इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसको ड्रॉ करने के क्या स्टेप्स हैं, हम स्टेप्स को पढ़ रहे हैं। नंबर वन स्टेप, फाइंड दी मिड पॉइंट्स ऑफ ईच क्लास, ओके। हमने क्या करना है, हर एक क्लास की मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स वन है, ओके, लोअर बाउंड्री, और x2 है अपर बाउंड्री। डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। दैट इज फॉर्मूला टू फाइंड द मिड पॉइंट, ओके। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ x एंड y एक्सिस। हमने इसी तरीके से इसमें भी क्या करना है, y और x एक्सिस
ड्रॉ करने हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को मिड पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। अब एक्स एक्सिस के तमाम मिड पॉइंट्स के वैल्यूज लिखेंगे, ओके, मिड पॉइंट्स के वैल्यूज लिखेंगे। और उसके बाद हम सिटेबल कोई स्केल लेंगे जो वाई एक्सिस के लिए यूज होगी। अब वाई एक्सिस पे क्या आप प्लॉटिंग करेंगे, एफ की, एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ओके। अब वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ करेंगे, फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करेंगे, क्लियर। उसके बाद स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री क्या है, यूजिंग द मिड पॉइंट्स फॉर द एक्स वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी इज द वाई वैल्यूज प्लॉट द पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास मिड पॉइंट मिली थी 2, ओके, और फ्रीक्वेंसी मिली थी 3। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट मिलेगी, ये पॉइंट वो होगी जो पॉइंट्स आपको आगे जाके कनेक्ट करनी है। उसके बाद स्टेप नंबर फोर इज कनेक्ट एडजेसेंट पॉइंट विद द लाइन सेगमेंट्स, ड्रॉ अ लाइन, ओके। हमने क्या करना है इसमें, लाइन सेगमेंट मतलब आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे कर्व नहीं होना चाहिए, ओके। ड्रॉ अ लाइन बैक टू द एक्स एक्सिस एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ग्राफ एट द सेम डिस्टेंस दैट द प्रीवियस एंड नेक्स्ट मिड पॉइंट वुड बी लोकेटेड, उसी डिस्टेंस पर जैसे आपने पिछले और आगे वाली मिड पॉइंट्स को आपने लोकेट किया था, ओके। अब हम आ रहे हैं प्रॉब्लम की तरफ। अब ये हमारे पास वही प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम की हमारे पास ये क्या है, क्लास बाउंड्रीज गिवन है और इन क्लास बाउंड्रीज से हमने ये मिड पॉइंट्स फाइंड किए हैं, ओके। ये वन टू ऑल मिड पॉइंट्स फाइंड किए हैं और इन्हीं क्लास बाउंड्रीज पे आपको पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी गिवन थी, ओके। अब इन्हीं तीन चीजों को यूज करके ये ग्राफ बनाया जाता है। अब हम कैसे बनाएंगे, अब देखें, ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले मेन टास्क ये है कि आपने मिड पॉइंट्स फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास बाउंड्री क्या है, 99.5 और 104.5। अब इसको करना क्या है, इसमें क्या करना है, आपने ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है और उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, ओके। अब ये डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको इसका आंसर मिलेगा 102, जो इसकी ये 102 जो आपको आंसर मिला है, ये क्या मिलेगी आपको, मिड पॉइंट मिल जाएगी, ओके। अब ये आपके पास जो ये कॉलम वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम बेसिकली होता है इस एक्स एक्सिस पे, ओके। और उसके बाद जो आपको फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम नजर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम क्या होता है, वो इज अ वाई एक्सिस यूज किया जाता है, ओके। इसी तरीके से अब हम एक मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी का हम एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 117 पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 13 है, ओके। अब हम इस ग्राफ में देखते हैं कि 117 पर क्या है, ये 117 है, आप क्या देखेंगे, वर्टिकली अपवर्ड देखेंगे जाएंगे, ओके। आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ आप देखेंगे 13 कहाँ है, अब यहाँ पे 13 देखेंगे तो ऐसे जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपको वो पॉइंट मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगी, वो पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगी जिन पॉइंट्स को आपने कनेक्ट करना है। उसके बाद आपने पूरी पॉइंट्स आपने यहाँ पे पहले लोकेट करनी है, ओके। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट 0 थी, अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट 0 है, यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि 99.5 से पहले सारे वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 0 थी, ओके। उसके बाद 102, अब यहाँ पे 102 है, मिड पॉइंट क्या है, 102 है, 102 पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, तो 102 आपने पहले प्लॉट की, उसके बाद ये प्लॉट की, उसके बाद ये प्लॉट की, उसी तरीके से ये प्लॉट की, ओके। इस तरीके से पहले आपने पॉइंट्स आपने लोकेट कर ली, ओके। जब आपने पॉइंट्स लोकेट कर ली, उसके बाद उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ज्वाइन कैसे करना है, एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए, ऐसे कर्व नहीं होना चाहिए, ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से हमने पूरा ग्राफ ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम आ रहे हैं लास्ट टॉपिक पर, लास्ट टॉपिक है नंबर 3, दी ओजेव। बेसिकली ओजेव एक ऐसा ग्राफ होता है जो किसी भी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करता है। अब इसी वजह से ओजेव को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी कहते हैं, ओके। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमने पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी और उसका एक कॉलम भी ड्रॉ किया था, हमारे पास कुछ डेटा गिवन थी। अब इस लेक्चर में भी वही डेटा हमने ली है तीनों ग्राफ्स के लिए। अब ये आखिरी ग्राफ है, ओके। अब यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि द ओजेव इज अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फॉर द क्लासेस इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब क्या है कि ओजेव एक ऐसा ग्राफ है को जो किसी भी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करता है, ओके। अब यहाँ आपके पास क्या गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे गिवन है, हर एक
क्लास बाउंड्री की अलग अलग आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब यहाँ पे हमने जीरो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे जो ये ग्राफ है ये जीरो से स्टार्ट होता है, इसी वजह से हमने क्या किए, ये चीज हमने शो करनी पड़ती है कि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ये ग्राफ इंक्रीज होता जाता है। तो ऑब्वियसली तो ये कहां से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स हमने बनाए थे वो 100 से शुरू थे और क्लास बाउंड्रीज हमने बनाई थी 99.5 से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, लेस देन 99.5, इसका मतलब कि ये चीज आपको फ्रीक्वेंसी में गिवन नहीं थी, इसी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जीरो है। उसके बाद हम टू पर आए, ओके, टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पर मिल रही है, लेस देन 104.5। अब यहां पे लेस देन आपको बता रहा है, लेस देन 104.5, यहां से 104.5 से जो वैल्यूज लेस होंगी, ओके, उस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, टू है। अब यहां पे जो आप इस ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे, एक आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वाई एक्सिस पे, और हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया है, क्लास बाउंड्रीज को शो किया है, और हर एक क्लास बाउंड्री पर अलग अलग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ओके। अब हम एक और एग्जांपल इसमें उठा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 124.5 है, ओके, 124.5 यहाँ पे आपको शो हो रही है, ओके, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 48, इसका मतलब कि 124.5 से जो लेस वैल्यूज हैं उस पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 48 है। तो आप किस तरीके से करेंगे इसको, वर्टिकली वर्टिकली आप अपवर्ड करेंगे, और यहाँ आप देखेंगे 48 कहाँ पर है, अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे होगा, ओके, 48 फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको भी ऐसे करेंगे अब, और यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को आप नोट करेंगे, ओके, उस पॉइंट को आपने नोट कर लिया, उसके बाद जो आपने उस पॉइंट को नोट करके वन बाय वन जितनी भी आपको पॉइंट्स मिल रही हैं उन पॉइंट्स को पहले आपने नोट कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, जितनी भी आपको पॉइंट्स मिली, फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को स्केल के जरिए आपने ज्वाइन कर लिया दोनों पॉइंट्स को, ओके, तो इस वजह से स्केल से किया क्योंकि यहाँ पे आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, आपने कर्व ड्रॉ नहीं करनी है। So it is all about this lecture. We will discuss other things in the next lecture. Allah Hafiz.